पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बेलगाम अपराधियों ने पटना में सरेआम मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नौबतपुर थाना अंतर्गत कोरवा जमालपुरा के बीच सड़क की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दो लोगों को गोली मारी है। घटना में एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। आपको बता दें, गोली मारने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गया और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वही मृतक की पहचान नौबतपुर थाना के कोरवा गांव निवासी चिकू कुमार के रूप में हुई है, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जाता है। नौबतपुर के कोरवा गांव निवासी पप्पू कुमार है और घटना के संबंध में फुलवारी शरीफ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि नौबतपुर थाना अंतर्गत दो युवक को गोली मारी गई है, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, तो वही दूसरा युवक को गोली लगने से घायल है। वही घटनास्थल पर एफएसएल की टीम जांच कर रही है और हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। वही घटनास्थल से आधा दर्जन खोखा बरामद की गई है, जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। निधि सिंह के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। दो व्यक्तियों को गोली मारने की घटना घटी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई है तथा दूसरा व्यक्ति एम्स में चल रहा है। क्या मामला सर, क्या कुछ पहले कारण क्या है, पीछे कारण का पता लगाया जा रहा है, अभी इसमें छानबीन चल रही है। सर, मृतक के ऊपर भी कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, मृतक के ऊपर नौबतपुर थाना में दो और बेहटा थाना में तीन आपराधिक इतिहास है। सो क्या हो गया।